54, ये देखिए आरपीएम आप। चलिए ये हमने इसको 100% पे कर दिया, ये हम देख सकते हैं 99 100%। ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं ई बाइक पर काम कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक बाइक, ऐसी साइकिल जो बैटरी और मोटर की हेल्प से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यूज़ करी है 24 वोल्ट्स की, और जिसकी आरपीएम होगा मैक्सिमम 2650 यानी 2650 आरपीएम है, और ये रेटेड 13.7 एम्पीयर के करंट से चलेगी। ठीक है, 24 वोल्ट्स, 250 वाट की ये मोटर आउटपुट आप देख सकते हैं, 250 वाट। और इसके साथ में आगे ये जो है गियर लगा हुआ मिलता है आपको, इस स्प्रॉकेट हम कह सकते हैं, लगा हुआ मिलता है इस तरीके से। और इसके साथ में पहले मैंने इस मोटर को परचेस करा, उसके साथ में इसको ऑर्डर करा। ये है दोस्तों 40 एम्पीयर का PMDC मोटर स्पीड कंट्रोल, यानी परमानेंट मैग्नेट DC मोटर, जो भी हमारी ब्रश वाली मोटर होती है, इसमें ब्रश लगे होते हैं, उस मोटर को स्पीड को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, और 40 एम्पीयर तक के लिए ये काम करता है। ये PWM जो है PWM मोटर स्पीड कंट्रोलर है, और इसमें डिस्प्ले भी है, और ये काफ़ी महंगा कॉस्टली कंट्रोलर है, लेकिन जो इसकी आउटपुट है, जो इसका व्यू है, वो बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो पोटेंशियोमीटर है उसमें ऑन ऑफ भी है, आप देख सकते हैं नीचे के दो वायर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए सर्किट को, और बाकी ये बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, आप इसकी साउंड सुनिएगा। इसको मैं जो सप्लाई दूंगा वो 24 वोल्ट्स आर ओ के अडॉप्टर से चला रहा हूँ, अपनी सप्लाई से चला रहा हूँ। देखिए ये देखिए सप्लाई आ गई हमारे पास 23 वोल्ट की, और यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, ये मैंने इसको कट कर दिया, अभी यहाँ पर कुछ भी ऑन नहीं हुआ है। ये हमने मोटर इस तरीके से कर ली, और अब आएगा मज़ा, अब हम इसको करते हैं ऑन। ये हमारे पास आप देख सकते हैं परसेंटेज आ रही है कि हमने कितना थ्रॉटल, कितना एक्सीलेटर या पोटेंशियोमीटर को कितना हमने घुमाया है। अब देखिए आप, केवल 9% एक्सीलेशन पर ही ये देख सकते हैं, 9% और मोटर चलनी हमारी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए 16 पर आ गए हम, 26, 54, ये देखिए आरपीएम आप, ये आपको कैमरे में स्लो लग रहे हैं लेकिन ये बहुत आरपीएम है, ये हमने बढ़ा दिया, और 73% के अराउंड है, फुल कर देते हैं आप। चलिए ये हमने इसको 100% पे कर दिया, ये हम देख सकते हैं 99 100%, इस तरफ से सही दिखेगा आपको, देखिए 99 100% है, मोटर फुल आरपीएम पर आप देख सकते हैं, बहुत आरपीएम में ये मोटर घूम रही है, और इससे हम रैपिड एक्सीलरेशन भी कर सकते हैं। देखिए देखिए डाउन अप, और ये इसमें अच्छी अच्छी बात है, ये है, पहले मैं इसको कम करता हूँ, हमने इसको स्टॉप कर दिया। यह है जो कंट्रोलर है, इसमें जो हीट सिंक आपको लग रही है बहुत छोटी सी, यह है PWM DC मोटर स्पीड कंट्रोलर है। ठीक है, PWM टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसलिए यह हीट नहीं होगा, यह लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इसको बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसी को जब हम एक एल्यूमिनियम के चैम्बर में बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये हमारा एक देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले है, जो इसमें पूरी तरीके से इसको प्रीमियम लुक दे रहा है, देख सकते हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट अभी बनने को रह गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, साइकिल भी रेडी है, बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि स्प्रॉकेट हमने लगा दिया है गलत साइज का, ये देख सकते हैं आप, ये अलग तरीके का इसमें जो इसकी पिच है वो चेंज है, इसकी पिच अलग है, बहुत ज़्यादा है, जबकि मोटर कि जो गेन है देख सकते हैं कितना, ये गैप कितना कम है। तो इसके लिए या तो हमें इसे चेंज करना होगा या फिर उसे चेंज करना होगा ई बाइक वाले को। तो फिलहाल इतनी वीडियो आपको
अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। थैंक यू।